हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 5 गति के नियम, और उसके अंदर टॉपिक होगा हमारा किसी कण की साम्यावस्था। ठीक है, पहले हम टाइटल ला लेते हैं। चैप्टर नंबर होगा हमारा 5 गति के नियम, और गति के नियम हमने न्यूटन का फर्स्ट नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और समय संरक्षण का नियम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है किसी कण की साम्यावस्था। ठीक है, अब देखो यहां पे कण तो पता है, साम्यावस्था मतलब क्या होता है? संतुलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु। संतुलन बोल सकते हो या फिर स्थिर बोल सकते हो। ठीक है, और स्थिर का मतलब क्या होता है? जो चीज क्या नहीं कर रही होगी, गति नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो वो चीज कैसे पॉसिबल है? जैसे उसके लिए मान लेते हैं, जैसे मार्कर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इस दिशा में बल लगा रहे हैं, कितना? 2 न्यूटन। और दूसरा बल लगा रहे हैं इस दिशा में, कितना? 2 न्यूटन। तो इधर भी 2 न्यूटन बल लग रहा है, इधर भी 2 न्यूटन बल लग रहा है, तो मार्कर कौन सी दिशा में गति करेगा? कोई भी दिशा में गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों दिशा में बल का मान कैसा लग रहा है? समान लग रहा है। लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम क्या आता है कि अगर बल लग रहा हो तो उसकी अगर स्थिति होती, स्थिर स्थिति हो, तो वेग भी गति करेगा, और अगर गति कर रहा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब अगर तुम बल लगाओगे तो स्थिर से किस में चला जाएगा? गति में चला जाएगा। और गति कर रहा अगर उसी दिशा में लगा रहे तो गति और बढ़ जाएगी, और विपरीत दिशा में लगा रहे हो तो उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज भी तो क्लियर है। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल ले, हम जैसे मान लेते हैं दो ग्रुप है, एक समूह इधर है, एक ग्रुप इधर है, दोनों क्या कर रहे हैं? बीच में डोरी बांध दी और डोरी को खींच रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक डोरी लगा दी, और डोरी में इधर मान लिया ग्रुप वन इधर खड़ा है, मीन्स इसमें 4-5 लोग खड़े और इस डोरी को क्या कर रहे हैं? ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं डोरी का सेंटर है वो, और दूसरा ग्रुप मान लेते इधर खड़ा है, और ये भी क्या कर रहा है? डोरी को अपनी तरफ खींच रहा है। और दोनों ग्रुप में जो पर्सन हमने रखे हैं ऐसे बराबर हट्टे गट्टे हैं, एकदम सेम साइज के सभी। ठीक है, तो दोनों को बल कैसा लग रहा है? बराबर लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ बिंदु है ना, क्या करेगा? ग्रुप वन की तरफ जाएगा ना ग्रुप टू की तरफ जाएगा। तो दोनों का जो बल लग रहा है कैसा हो गया? समान हो गया। तो अब जैसे इसके बल को अगर हम मान ले F1, और इसके बल को क्या मान लेते हैं? F2। ठीक है, तो दोनों का बलों का मान कैसा होगा? समान। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम F1 = F2। ठीक है, अब इस दिशा को अगर प्लस मानो तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको माइनस मान लो, अब माइनस इस साइड आएगा तो क्या जाएगा? F1 + F2 = 0। देखो परिणामी बल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दोनों बलों का जब तुम योग कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसे कभी भी अगर किसी भी बलों का योग अगर 0 होता है तो मतलब आप पे कण कैसा रहेगा? संतुलन स्थिति में रहेगा या फिर स्थिर स्थिति में रहेगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना। अब देखो जरूरी नहीं हर जगह 2 ही बल लगे, मान लो कोई जगह 3 बल लगा और एक ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते ग्रुप 3, और ये बल लगा रहे यहाँ पे F3। ठीक है, अभी भी बोल रहे हैं अगर मान लो कि तुम्हें ऐसी परिस्थिति दे दे कि ये O बिंदु कैसा है? संतुलन स्थिति में। तो अब कंडीशन क्या होगी? इधर बल कौन कौन से लग रहे हैं? F1 + F3 = क्या आएगा? -F2। और वापस -F2 को भी इधर लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा? F1 + F2 + F3। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो सकता है? तीनों बलों का योग क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। मतलब परिणामी बल क्या है? उसके ऊपर शून्य है। इसकी वजह से कण कैसी स्थिति में होगा या ओ बिंदु कैसी स्थिति में होगा? स्थिर स्थिति में होगा। ठीक है, और बुक में इसी प्रकार से उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ, तो तुम इस उदाहरण से भी क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बार समझ ले, इसकी थियोरी नहीं आती, इसकी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला है? 6 किलोग्राम सहति के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी द्वारा लटकाया गया है, और डोरी के मध्य बिंदु पर चित्र में दर्शाए अनुसार क्षैतिज दिशा पर 50 न्यूटन बल लगाया जाता है, और साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है, और जी का मान है 10 m/s² लीजिए। तो डोरी की सहति को नगण्य कीजिए। सहति मतलब क्या होता है यहाँ पे? याद रखना द्रव्यमान होता है। ठीक है, देखो पहले ड्रॉ करके बता देते हैं, फिर क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट उदाहरण 5.6। उदाहरण हो जाएगा हमारा
5.6। और क्या बोला, जैसे मान लेते किसी छत से बोला है, ये हो गई हमारी छत, ठीक है। और इस छत से क्या कि एक डोरी लटकाई गई है, और कितनी है, 2 मीटर की है, ठीक है। और जैसे तुम मान लो कहीं पे डोरी बांध के अगर डोरी लटकाते हो, तो डोरी कैसी रहेगी, ढीली ढीली रहेगी, एकदम टाइट स्ट्रेट एकदम सीधी रहेगी नहीं, ठीक है। डोरी कैसे रहेगी, एकदम ढीली तरह से रहेगी। अब उसी डोरी के अगर नीचे तुम क्या करो, वजन लटका दो, उन्होंने भी बोला हुआ है कितना वजन लटकाने के लिए बोला हुआ है, 6 kg, 6 किलोग्राम। अब जैसे ही 6 किलोग्राम लटकाओगे तो डोरी क्या हो जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगी, ठीक है। और डोरी के अंदर क्या उत्पन्न होगा, ऐसे खींचने लगेगी डोरी, खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव मतलब क्या होता है, टेंशन। खिंचाव मतलब क्या होता है, टेंशन या फिर तनाव, ठीक है। खिंचाव मतलब क्या होगा, तनाव, और तनाव को क्या बोलते हैं, टेंशन। मतलब क्या कर रहा होगा, डोरी के अंदर एक बल उत्पन्न हो रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। और डोरी क्या कर रही होगी, ऊपर खींचने की ट्राई कर रही होगी, और 6 किलोग्राम क्या कर रहा होगा, नीचे खींचने की ट्राई कर रहा होगा। और दोनों बल क्या लग रहे होगा, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। और दूसरा क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इसके केंद्र से, ठीक है, मध्य बिंदु से क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन का बल लगा रहे। अब डोरी क्या करेगी, इस तरफ जाने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद की परिस्थिति कैसी होगी, देखो तो डोरी का ये हिस्सा गया यहाँ पे, ठीक है, और अब ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किया था हमने 6 kg, और यहाँ पे लगा ये 50 न्यूटन, और ये कहाँ लग रहा था, इस दिशा में, ठीक है। अब देखो दिशा बदल चुकी है, तुमने यहाँ पे बल लगाया तो इसकी उससे डोरी उधर चली गई, और इस बिंदु को मान लेते हैं ओ, और ओ उन्होंने वहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैसी स्थिति में, साम्यावस्था स्थिति में है। साम्यावस्था स्थिति में मतलब अब इस पे जो बल लग रहे होंगे सभी क्या होंगे, समान। देखो साम्यावस्था के लिए और एक चीज बता देता हूँ, तो उसमें लेफ्ट साइड के जो बल होंगे वो राइट साइड के इक्वल होंगे, ऊपर जितने बल लग रहे होंगे वो नीचे की ओर जो बल लग रहे होंगे उसके इक्वल होंगे। बेसिकली ये कंडीशन तुम ले सकते हो, कभी भी अगर साम्यावस्था दिया हो क्वेश्चन में वर्ड, मतलब क्या होगा, जितने दाएं तरफ के बल इक्वल टू बाएं तरफ के बल, फिर ऊपर तरफ के बल इक्वल टू नीचे तरफ के, मतलब विरुद्ध दिशा वाले बलों को तुम क्या मान सकते हो, समान मान सकते हो, और वही कंडीशन हमें यहाँ लगानी है, ठीक है। तो ये देखो ये चीज हो गई यहाँ पे, अब 50 न्यूटन यहाँ बल लग गया। अब दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे क्या बोली, ये जो ये ऊर्ध्वाधर के साथ, पहले भी स्टोरी ऐसी थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण ज्ञात करने के लिए बोला है उन्होंने, ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला, ये कोण ज्ञात करने के लिए बोला है। और देखो अब ये चीज होगी कि सर ये तो टेढ़ी होती है, ये कैसे सीधी रहेगी, ठीक है, केंद्र से, तो ये हमारे कितना है 1 मीटर, और ये भी यहाँ से कितना है, यहाँ पर 1 मीटर। और नहीं हो तो इसके लिए तुम खुद घर पे भी ट्राई कर सकते हो, क्या करो, कोई भी एक छोटा सा डोरी लो, उसको बीच कहीं पे बांध दो, उसके नीचे कोई चीज लटका दो, उसको केंद्र से पकड़ के तुम अगर थोड़ा सा इधर तरफ खींच के पकड़ के रहो, तो ऊपर की जो डोरी है वो टेढ़ी होगी, लेकिन नीचे की डोरी है ना वो सीधी रहेगी, ठीक है, वो टेढ़ी नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी चीज लटका रहे तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ऊपर तुमने बांधा हुआ है तो वो चीज टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिकली करके देखना, नहीं तो बोले सर आपने कैसे ड्रॉ करना, जरूर थोड़ी ना ऐसा ही हो, ठीक है, चीज जरूर करके देखना। अब देखो यहाँ पे ठीठा बन रहा है, तो अब इसके क्या करना पड़ेगा, घटक निकालेंगे, ठीक है। तो घटक निकालने के लिए एक चीज याद रखना, हमेशा जिसके साथ कौन बन रहा हो, जिसके साथ कौन बन रहा हो वो होगा हमारा टी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा घटक बनना, तो यहाँ पे टी है तो टी कॉस थीटा, और इसके लंबवत, अब इसके लंबवत बोलो सर यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला लेंगे, ये वाला टी साइन थीटा, दूसरा पहला घटक हो जाएगा टी कॉस थीटा और दूसरा घटक हो जाएगा टी साइन थीटा, तो सर यही पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। अब देखो ये जो हमारा परिणाम है, या जो टी होगा जिसके हम घटक निकाल रहे हैं, उसके एक तरफ अगर कॉस थीटा है तो उसके दूसरी तरफ हमारा क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, और अगर यहाँ बना रहे तो टी तो यहाँ साइड में रह गया, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ होने चाहिए, एक कॉस थीटा इधर आ गया तो साइन थीटा आएगा इसकी तरफ, इधर अगर इधर कॉस थीटा आता तो इधर आता साइन थीटा, ठीक है, और होने कैसे चाहिए, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। अब देखो इस चित्र को मैं वापस अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना देते हैं, ये बिंदु हो गया हमारा ओ, ठीक है। अब यहां से देख रहे तो एक बिंदु यहाँ पे जा रहा है, कितना बल लगा रहा है, 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है, कौन सा, अब देखो टी को लेने की जरूरत है क्योंकि हमने घटक निकाल दिया है, तो ऊपर हमारा लग रहा है टी कॉस थीटा, और एक इधर बल लग रहा है, कौन सा वाला, टी, ठीक है, चित्र अलग है, ये जाएगा टी साइन थीटा, और नीचे देखो 6 kg लग रहा है, इसको हम क्या ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल को mg से दर्शाते हैं, एफ इक्वल टू mg से, ये चीज याद रखना। अब यहां सर नीचे देख रहे हो, f इज इक्वल टू mg, ठीक है। आप देखो क्या कर सकते हो, उन्होंने क्या बोला हुआ है, संतुलित स्थिति में, मतलब t sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 50 न्यूटन और t cos थीटा इक्वल टू क्या होगा mg, तो पहले हम लिख लेते हैं t sin थीटा
इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50, ये आ गया समीकरण एक। और दूसरा क्या ले लेते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एम जी, एम का मान कितना दिया हुआ है 6 और जी का मान भी दिया हुआ है 10, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 kg। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन वन और दो को क्या करें, वन को दो से डिवाइड करने पर, वन को दो से डिवाइड करने पर देखो क्या आ जाएगा हमारा, टी साइन थीटा अपॉन, ठीक है, इक्वल के इस साइड वाले को इक्वल के इस साइड वाले से डिवाइड कर लो और इक्वल के उस साइड वाले को, तो 50 / 60। ठीक है, तो ये 0 0 और टी टी कैंसिल, तो बताया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है 10 थीटा और 10 थीटा के लिए इक्वल टू क्या बचेगा 5/6। ठीक है, और 10 थीटा की वैल्यू मैंने निकालने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, देखा पहले अगर देखें तो 5/6 की वैल्यू क्या होगी, 10 थीटा इक्वल टू 0.8333। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल आता है उसके अंदर रखेंगे और वहां से वैल्यू निकालोगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू आ रही है, देखो आंसर बता देता हूँ, आपको ट्राई करना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली लिख लो, ठीक है, 39.80 डिग्री, मीन्स लगभग कितना मान सकते हो 40 डिग्री के आसपास। मतलब ये कितना कोण बनाएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बल लगा रहे थे कितने कोण पे मुड़ेगी यहाँ पे 40 डिग्री कोण पे मुड़ेगी। ठीक है, इतना रखते हैं आज के लिए, और स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का और आराम से नोट डाउन कर ले। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।